तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो आज डे थर्ड है लद्दाख का, और एक और नई चीज़ है कि अभी कोविड की रिपोर्ट के लिए बोल दिया है, RT-PCR के लिए बोला है जो मैंडेटरी है आपको। तो आज हमारा RT-PCR भी होगा, रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे जाने के लिए अलाउड किया जाएगा। अभी आज फर्स्ट ग्रुप था जो निकल चुका है ट्रैकिंग के लिए, फर्स्ट ग्रुप जो 9 जनवरी को निकला है। हमारा ग्रुप कल जाएगा 10 जनवरी को। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, होप सो मेडिकल सब कुछ अच्छे से हो जाए। जो भी प्रोसीजर होगा मेडिकल का वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और जो जो चार्जेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी सब लोग मेडिकल पे जा रहे हैं, और जो हमारे ट्रैकिंग गाइड है मोंटी भैया, जो यहाँ पर हमारा सब कुछ देख रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए शायद कोई और जाएगा, वो हमें जल्दबाजी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। तो अभी हम आगे जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ही जो मेन मार्केट के पास एक स्केटिंग का एरिया भी है, जहाँ पर आप आइस स्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चे लोग कर भी रहे हैं आइस स्केटिंग। तो यहाँ पर स्केटिंग के टूर्नामेंट चलते रहते हैं, और अभी बच्चे कुछ कर भी रहे हैं। ये है चादर ट्रैक रजिस्ट्रेशन, जहाँ से हमारा मेडिकल होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अभी हमारे मोंटी भाई फॉर्म सबमिट करने के लिए गए हैं, उसके बाद ही हमारा सैचुरेशन वगैरह चेक होगा। ठीक है, कितना? 98। पवन भाई का 98 आ रहा है। ये पहले पर्सन है जो फर्स्ट टाइम ट्रैक करने के लिए आए और 98 सैचुरेशन कर रहा है इनका मेंटेन। कितना है आपका फिनिशा? कितना और दोस्तों आपको ना फोटोकॉपी के लिए ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आपका मेडिकल होता है उसके साइड में ही फोटोकॉपी की शूट कर सकते हो। ठीक है, 5 रुपीज पर पेज कॉपी लेते हैं, देख सकते हो वहाँ पर मेडिकल हो रहा है और यहाँ पर शॉप है। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि फोटोकॉपी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आके करवा सकते हो और फोटोज़ भी निकाली जा सकती है। यहीं पर नज़दीक में ही रोड पर दिखाई दे रहे हो, वहाँ पर फोटोज़ भी क्लिक होती है जो साथ के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अलग सिस्टम होना चाहिए। तो ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पर हो रहा है हमारा रैपिड। ठीक है, हम रैपिड करवा रहे हैं क्योंकि हमें कल जाना है, तो जो RT-PCR करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी कल तक, कल दोपहर तक आएगी। तो इसलिए हमें रैपिड करवाने के लिए बोला है ताकि हमें 15 मिनट्स में रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अगर आप एक दो दिन पहले आते हो तो RT-PCR करवाओ ताकि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर आपको रैपिड करवाना है। ये इधर है ना, ये 9 है, आपको 10 अभी करना है। तो यहाँ पर एंट्री हो रही है RT-PCR के लिए। भाई 3 बार पानी पी चुके हैं, सैंपल देने से पहले भी पानी पी रहे, कह रहे वायरस को खत्म करना जड़ से अगर हुआ। मतलब सैंपल वाले वेट कर रहे हैं ताकि ये पानी पी के खत्म हो और वो सैंपल ले। नहीं, सैंपल ले कावा है, कावा इसे कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। अभी मनोज जी भी सैंपल देंगे। पवन आराम से बैठिए सर, आराम से। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वेबसाइट है। ठीक है, जो जिन्होंने भी यहाँ से RT-PCR करवाया है उसकी रिपोर्ट आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, आपके नंबर पे जो नंबर दिया है उस पर आपको सीरियल नंबर आएगा 16 डिजिट्स का, वो आपको इस वेबसाइट पे डालना है और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और कोई भी इशू होता है तो कॉल नंबर दिया है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और इशू रिजोल्व हो जाएगा। तो भाई लोग अभी 4 बज गए, हम सुबह से बैठे हैं, बीच में ब्रेक हो गया था और अभी तक हमारा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई लोगों से पूछते हैं इनका रिव्यू क्या है। तो क्या कहने चाहोगे भैया आप? बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी काम सही से नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। और आपका बाइक वाला प्लान क्या रहा? आज तो हमने प्लान किया था कि हम बाइक से जाएंगे, हमारा मेडिकल जल्दी हो जाएगा, 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम बाइक लेके जाएंगे। सब प्लान कर लिया लेकिन पूरा प्लान खराब हो गया। तो आदित्य भाई आप क्या कहना चाहोगे? भाई नींद आ रही है मेरे को बैठे बैठे, फटाफट मेडिकल करा दो, अपना बेड पकड़े हुए। और
आप बताओ क्या कहना चाहोगे? अभी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले ही ये सब कुछ बात करके इनसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके जो टाइम है उस टाइम पे हमें यहाँ पे बुला लीजिए, क्योंकि हमें पिछले 6-7 घंटे से यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने को करने को और बहुत कुछ है वो सब छोड़ के। हाँ, कितना सोचा था, कितना एक्सप्लोर करेंगे हम सब लोग करने का था। और टुक टुक भैया आप तो बताओ आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, उस लाइन को छोड़ के हो गया, एक लाइन जिंदगी बर्बाद हो गया। आज हमारा बहुत सारा प्लान था कि अगर 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाता है तो हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बट वो नहीं हो पाई है। अभी देखते हैं कि मेडिकल में और कितना टाइम लगेगा और क्या क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है? तब तक के लिए हम और वेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है आपका मेडिकल चेकअप, जिसमें आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, लंग्स एंड हार्ट साउंड चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, और कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेट 3500 रुपीज़। उसके बाद आती है आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट, जो कि 1200 रुपये से स्टार्ट होकर 5000 तक है, जितना भी आप कवर करना चाहते हो। उसके बाद अल्टोवा फीस, जो कि है ओल्ड लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, उसकी है 800 रुपीज़ फ़ी। तो उसके बाद आती है आपकी वाइल्ड लाइफ फ़ी, जो कि है अप्रोक्सीमेट 2040। उसके बाद आती है रेस्क्यू फ़ी, वो है 1750। तो अप्रोक्सीमेट टोटल जो पड़ेगा वो होगा आपका 9250। तो दोस्तों, फाइनली हमारा मेडिकल हो गया है, 6 बज गए अप्रोक्सीमेट, 8 घंटे खड़े होने के बाद हमारा मेडिकल क्लियर हो गया है। जूम करो पास पे। हाँ, जूम का ऑप्शन नहीं है इसमें। एड्रेस भी आ गया है, घर आ जाएंगे। तो अभी 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं, कल से 4 डेज से हम चादर ट्रैक स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपको फाइनल चादर का व्यू दिखाते हैं, चादर कितना जमा है कितना नहीं जमा है, ताकि आप लोग भी प्रिपेयर हो सके उसके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।